आज हम लोग बोटनी स्ट्रीम चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं और बहुत ही बेसिक तरीके से सेकंड्स में सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक नाव की धारा की साथ गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के विरुद्ध गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव की शांत जल में गति क्या है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है और उसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देख लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए, स्टील वाटर होता है, ठीक है, और नीचे तरफ डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। अब बोलिए कि ये सब होता क्या है, तो थोड़ा सा समझ लीजिए। स्टील वाटर मतलब शांत जल में चाल, स्टील वाटर मतलब शांत जल में चाल। डाउन स्ट्रीम मतलब धारा की दिशा में चाल, और अप स्ट्रीम मतलब धारा के प्रतिकूल चाल। क्लियर है, मतलब धारा के विपरीत दिशा में चाल, ऐसे भी बोल सकते हैं। और एक होता है भी, भी मतलब होता है धारा की गति, भी मतलब होता है धारा की गति। क्लियर है, तो सारा चीज तो हम बता दिए। भी मतलब होता है धारा की गति, अपस्ट्रीम मतलब धारा के प्रतिकूल चाल। तो थोड़ा सा लिख भी लीजिए, धारा के प्रतिकूल लिखिए या फिर विपरीत, बात बराबर है, धारा के विपरीत चाल। और स्टील वाटर मतलब शांत जल में चाल, शांत जल में चाल। क्लियर है, शांत जल में चाल। और डाउन स्ट्रीम मतलब हो जाएगा धारा के दिशा में चाल, ये क्या हो जाएगा, धारा के दिशा में चाल। ठीक है, धारा के दिशा में चाल आप लोग लिख लीजिएगा। तो इतना तो समझ में आ गया। अब इस चीज़ को समझिए, जब भी हम लोग इधर जाएंगे, इस डायरेक्शन में जाएंगे, नीचे की ओर जाएंगे, क्लियर है, तो नीचे की ओर जाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगा। अब क्यों बढ़ेगा वो भी हम समझाते हैं। वेलोसिटी भी मतलब क्या, धारा की गति जो है बढ़ती जाएगी। जब भी हम लोग नीचे की ओर जाएंगे धारा की गति बढ़ती जाएगी, और यही सब कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सेकेंड्स में सॉल्व करेंगे। तो पहले तो समझ लीजिए, मान लीजिए एक नदी है, क्लियर है, और नदी का फ्लो इस साइड में है, क्लियर है, नदी का बहाव जो है इस साइड में है, क्लियर। तो इधर जब हम लोग जाएंगे तो उसी को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, क्लियर। और जब इधर जाएंगे, नदी बह रहा है इधर पानी और हम जा रहे हैं इधर बोट से, ठीक है, तो धारा के विपरीत जा रहे हैं। धारा मतलब जो नदी का पानी बह रहा है उसी को हम लोग धारा बोल रहे हैं, क्लियर है, और उसके विपरीत जाएंगे मतलब इस डायरेक्शन में, क्लियर, तो इसी को बोलेंगे अपस्ट्रीम। और शांत जल, तो शांत जल आपका नदी में तो होता नहीं है, क्लियर है, नदी में बहुत रेयर केस में होता है, जब पानी बहुत बढ़ जाता है मतलब ना के बराबर होता है शांत जल। ये आप लोग को देखने को मिलेगा स्विमिंग पूल में, देख लीजिए, एकदम शांत रहता है जल, मतलब पानी में कोई हलचल नहीं होगा। या फिर तालाब में देख लीजिए तो शांत जल एकदम मिलेगा, क्लियर है। तो इतना समझ में आ गया। और वेलोसिटी मतलब धारा की गति, मतलब नदी, अगर मान लेते हैं कि नदी है तो इस डायरेक्शन में जो बह रहा है, मान लेते हैं कि एक नाव यहाँ पे चल रहा है, और नाव जो है सिंपल सा नाव है, ठीक, लकड़ी वाला, और उसको जो चलाने वाला ये रहता है उससे चला रहा है, क्लियर है, लेकिन वो चला नहीं रहा है खाली एक, या फिर ऐसे समझ लीजिए एक पत्ता हम इसमें फेंक दिए, तो पत्ता जिस स्पीड से जा रहा है, धारा जो है ये अपना कुछ इसका स्पीड होगा ना, वो इस पत्ता को क्या करेगा, नीचे की ओर बहा के ले जाएगा। ये तो अपना ताकत नहीं लगा रहा है पत्ता, लेकिन ये खुद ब खुद नीचे की ओर बह रहा है, तो खुद ब खुद कोई थोड़े ना बह जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये धारा जो है इसका कुछ स्पीड है तभी इसको बहा के ले जा रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं धारा की चाल, जिसको वेलोसिटी बोलते हैं। तो इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसीलिए इधर जब जाएंगे तो बढ़ते जाएगा, नदी है मान लीजिए ये, और इधर पानी बह रहा है, तो इधर से जब इधर जाएंगे तो क्या होगा, बढ़ते जाएगा स्पीड, क्लियर है। लेकिन इसका जस्ट ऑपोजिट, जब हम लोग नदी के ऊपर की ओर जाएंगे, क्लियर, ये नदी है और इसका इस डायरेक्शन में हम लोग अगर जाएंगे, पानी इधर बह रहा है और जा रहे हैं हम लोग इधर, ठीक है, तो क्या होगा, स्पीड घटेगा। स्पीड क्या होगा, घटेगा, मतलब वेलोसिटी जो है वो घटेगा, धारा की चाल घटेगा। भी मतलब धारा की चाल, ये भी है। बस इतना ही आप लोगों को समझना था। अब थोड़ा सा फॉर्मूला है इसका, स्टील वाटर मतलब शांत जल में चाल, इसका फॉर्मूला होता है डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई टू, क्लियर है। और ये फॉर्मूला आया कहाँ से, उसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। देखिए, बीच में है, ठीक है, और ये दोनों साइड में है, तो जब भी हम लोग कोई भी चीज़ का बीच वाला फाइंड करते हैं, जब भी हम लोग बीच वाला निकालते हैं, एकदम सिंपल वर्ड में समझिए, एकदम बीच वाला जब हम लोग निकालते हैं तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं और दो से डिवाइड करते हैं। यही ना रूल है, बीच वाला निकालने के लिए दोनों को जोड़ते हैं और दो से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे भी वही प्रोसेस लग जा रही है, कोई फॉर्मूला है नहीं, ठीक है, ये थोड़ा सा समझने वाला बात है, लेकिन इस फॉर्मूला को आप लोग थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। फॉर्मूला आखिर कहाँ से बना, ये तो समझ में आ गया। बीच वाला निकालेंगे तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और दो से डिवाइड कर देंगे, तो ये बन गया स्टील वाटर का फॉर्मूला। अब वेलोसिटी मतलब धारा की गति, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम प्लस है तो यहाँ खाली माइनस यूएस बाई टू, ठीक है, डी एस माइनस यूएस बाई टू। बस इसी सब का यूज करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अब क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, अब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम लोग।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर वन में दिया गया है, एक नाव की धारा के साथ गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के विरुद्ध गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव की शांत जल में गति बताएं। ठीक है, तो शांत जल क्या होता है, तो पहले इसको लिख लीजिए, स्टिल वाटर डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, ये शांत जल है और ये धारा के साथ है या धारा की गति के साथ, क्लियर है, धारा की दिशा में बोलिए या धारा के साथ बोलिए, बात बराबर है, और ये धारा के प्रतिकूल है या धारा के विरुद्ध बोलिए। तो देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, एक नाव की धारा की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के साथ गति, तो धारा के साथ ये वाला है, ठीक है, धारा के साथ बोले या फिर धारा की दिशा में बोले, बात बराबर है, कितना है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा की दिशा में कितना है 12 किलोमीटर प्रति घंटा लिख देना है, तथा धारा के विरुद्ध गति, तो धारा के विरुद्ध मतलब क्या, धारा के विपरीत, ठीक है, धारा के प्रतिकूल, तो ये वाला है अपस्ट्रीम, वो कितना है 6 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है 6 किलोमीटर पर आवर है। तो नाव की शांत जल में चाल, शांत जल में चाल मतलब स्टिल वाटर, ये हम लोग को फाइंड करना है, तो देखिए बीच वाला फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और दो से डिवाइड करेंगे, और फॉर्मूला भी हम लोग का वही है, स्टिल वाटर इज इक्वल टू डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाय 2, तो डाउन स्ट्रीम हम लोग का 12 है, अप स्ट्रीम हम लोग का 6 है और डिवाइड बाई 2, तो 12 और 6 18 डिवाइड 2 हो जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 2 से 9 बार में कट जाएगा, क्लियर है, तो बहुत ही सिंपल सा तरीका था, और इधर से देखिए प्रैक्टिकल भी हो जा रहा है, ये निकल गया 9, तो हम थोड़ा सा 9 को यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आप लोग को थोड़ा सा और समझा सके। इधर देखिए जब भी हम लोग इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, वेलोसिटी घट रहा है, अब इसका अगर भी निकालने बोलता, धारा की चाल बोलता, तो हम लोग ऐसे डायरेक्टली निकाल सकते थे, फॉर्मूला भी लगा सकते थे, डीएस माइनस यूएस बाई 2 भी करते हैं तो भी निकल जाता, या फिर यहाँ पे थोड़ा सा देखिए इधर जा रहे हैं तो वेलोसिटी घट रहा है, कितना घट रहा है, तो 12 से 9 हो गया 3 घटा, फिर इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, घट रहा है, लेकिन इधर जा रहे हैं तो बढ़ रहा है, लेकिन इक्वली बढ़ रहा है और इक्वली घट रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 3 बढ़ा, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 3 बढ़ा, तो 3 और 3 6 बढ़ रहा है, क्लियर है, मतलब भी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, डायरेक्टली निकल के आ जाएगा, और ऐसे भी कर सकते हैं 12 से 6 को घटाएंगे तो 6 हो जाएगा बाई 2 3 हो जाएगा, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 12 से 6 घटाएंगे तो 6 डीएस माइनस यूएस बाई 2 करेंगे तो भी आपका 3 ही आएगा, क्लियर है, या फिर हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो दोनों तरीका आप लोग माइंड में रखिए, मेन चीज है समझना, अगर आपको समझ में आ गया क्वेश्चन तो आप लोग कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें दिया गया है एक नाव की धारा के साथ गति, तो धारा के साथ गति आप लोग को तो समझ में आ ही गया होगा, डाउन स्ट्रीम का बात किया जा रहा है, ठीक है, कितना है ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्लियर है, तो धारा के विरुद्ध गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, अब अप स्ट्रीम दे दिया गया है, धारा के विरुद्ध मतलब अप स्ट्रीम, ये कितना है तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की गति बोला गया है, धारा की गति मतलब भी शांत जल बोलता तो स्टिल वाटर हम लोग फाइंड करते, इसका बीच वाला, क्लियर है, ये वाला फाइंड करते, लेकिन हम लोग को पूछा गया है धारा की गति भी, ठीक है, धारा की गति क्या होता है भी, और इसका फॉर्मूला क्या होता है डीएस माइनस यूएस बाई 2, तो डीएस कितना है 12 है, माइनस यूएस कितना है तो 8 है बाई 2, तो 12 से 8 को घटाएंगे तो 4 बाई 2, तो इससे काटेंगे तो 2 हो जाएगा और हम लोग का आंसर हो गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या हो जाएगा हम लोग का वेलोसिटी। अब देखिए वेलोसिटी भी अगर निकाल लिए, क्लियर है, कभी कभी क्या करेगा, वेलोसिटी आप लोग को दे दिया जाएगा, दूसरा क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, अगर वेलोसिटी दे दिया जाएगा और स्टील वाटर पूछा जाएगा और ये सब भी दिया रहे तो बिना फॉर्मूला का भी हम लोग बना सकते हैं, देखिए कैसे, तो देखिए 2 है तो इधर जाएंगे तो 2 बढ़ेगा और इधर जाएंगे तो 2 घटेगा, तो देखिए बढ़ेगा, 8 है इधर जाएंगे तो 2 बढ़ाएंगे तो 8 और 2 10 हो जाएगा, फिर 2 10 और 2 12 हो रहा है, क्लियर है, तो प्रूफ भी हो जा रहा है, तो ये डायरेक्टली 10 हो जा रहा है, क्लियर है, और इधर से आएंगे तो 2 घट रहा है, तो देखिए 12 से 2 घटाएंगे तो, और 2 ही क्यों घटा रहा है, इसी का स्पीड है, इसी को लेके चल रहे हैं, इधर जा रहे हैं तो ये 2 जो है बढ़ा रहे हैं, फिर 2 बढ़ाएंगे तो 8 और 2 10 हो गया, फिर 10 और 2 12 हो गया, उसी तरीके से इधर अगर जाएंगे तो 2 घटेगा, वेलोसिटी जो है घटते जाएगा, इधर तो 12 है 2 घटेगा तो 10, फिर इसमें से 2 घटाएंगे तो 8, तो उतना तो करने इसमें बोला नहीं गया है, इसमें तो सिंपल सा था वेलोसिटी फाइंड करने बोला गया था, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आप लोग को पता ही है, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2 जो लगा दिए, ये वाला आंसर आ गया, ये सब आप लोग को माइंड में रखना है। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें दिया गया है एक व्यक्ति पानी की प्रवाह के साथ, तो पानी की प्रवाह मतलब क्या, धारा की दिशा के साथ, ठीक है, धारा इधर बह रहा है उधर साथ साथ, क्लियर है, तो धारा की प्रवाह के साथ मतलब डाउन स्ट्रीम नीचे की ओर, कितना है 28 किलोमीटर जाने में 5 घंटा लगता है, क्लियर, 28 किलोमीटर जाने में 5 घंटा लगता है, तो 28 किलोमीटर क्या दिया गया है, इसका डिस्टेंस दिया गया है, तो थोड़ा सा लिख लेंगे हम लोग, तो 28 किलोमीटर क्या है, डिस्टेंस है, और इसको जाने में 5 घंटा का टाइम लग रहा है, ठीक है, 5 आवर्स लग रहा है, तथा प्रवाह के विरुद्ध मतलब अप स्ट्रीम, प्रवाह के विरुद्ध मतलब अप स्ट्रीम
13 किलोमीटर जाने में 5 घंटा लगता है, तो इधर डिस्टेंस कितना है, तो इधर 13 किलोमीटर जा रहा है और इसको जाने में टाइम लग जा रहा है 5 घंटा का। क्लियर है? जैसा क्वेश्चन में दिया गया है सेम टू सेम हम लिख लेंगे। अब क्या करना है, तो पानी की प्रवाह की गति, ठीक है, तो पानी की प्रवाह की गति इसका मतलब क्या, धारा की चाल। ठीक है, तो अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग वर्ड को थोड़ा सा चेंज किया जाएगा, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, उस वर्ड को पकड़ने सीखिए। तो पानी की प्रवाह की गति मतलब क्या, धारा की गति पूछा गया है। क्लियर है? मतलब वेलोसिटी पूछा गया है, तो वेलोसिटी का हम लोग को फॉर्मूला पता है, डाउन स्ट्रीम प्लस अप सॉरी डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई टू। तो डाउन स्ट्रीम मतलब क्या, डाउन स्ट्रीम में उसका स्पीड क्या है, लेकिन स्पीड यहाँ पे दिया गया नहीं है। ठीक है, तो स्पीड हम लोग फाइंड कर सकते हैं इसका, तो देखिए इसका डिस्टेंस है, टाइम है, तो स्पीड हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो लगा दीजिए इस फॉर्मूला पे, तो स्पीड कितना है, सॉरी डिस्टेंस कितना है, तो 28 है, और टाइम कितना है, 5 है, तो 28/5। इसको चाहे तो हम लोग तोड़ सकते हैं, नहीं चाहे तो ना तोड़ सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन आगे करना पड़ेगा। तो इतना किलोमीटर पर आवर, या फिर इसको तोड़ ही लीजिए, तो इसको अगर डिवाइड कर देंगे तो 5.6 आएगा। इतना क्या, किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम हम लोग का निकल के आ गया स्पीड, अब अप स्ट्रीम का भी उसी तरीके से निकाल लेंगे, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस है 13 और टाइम है 5, तो 13/5 अगर करेंगे, ठीक है, तो हम लोग का आ जाएगा 2.6 किलोमीटर पर आवर। हम लोग को डाउन स्ट्रीम इसमें स्पीड पता चल गया 5.6 और अप स्ट्रीम में पता चल गया 2.6। अब फॉर्मूला में पुट हो जाएगा, तो डाउन स्ट्रीम है 5.6, माइनस है तो माइनस, और अप स्ट्रीम है 2.6 डिवाइड में 2। अब इससे इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3/2, तो इसे डिवाइड करेंगे तो 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो सिंपल तरीके से देख रहे हैं आप लोग कितने शॉर्ट तरीके से ये सब सॉल्व हो रहा है। अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये भी हम लोग उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किए। तो इसमें दिया गया है एक नाविक धारा की दिशा में 48 किलोमीटर की दूरी 4 घंटा में तय करता है। ठीक है, धारा की दिशा मतलब क्या, डाउन स्ट्रीम। अब इसको हम लोग थोड़ा सा फास्ट बनाएंगे, ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, तो ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, तो डिस्टेंस बाय टाइम कर दीजिए, तो 4 से ये कट जाएगा 12/12 में, तो 12 × 48 डायरेक्टली निकल के आ जाएगा ये। क्लियर, तो डाउन स्ट्रीम हम लोग का निकल के आ गया, जबकि धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी वह 5 घंटे में तय करता है, तो अप स्ट्रीम में इतना डिस्टेंस वो 5 घंटे में तय कर रहा है, तो इसका भी स्पीड हम लोग फाइंड कर सकते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो 30/5 हो जाएगा, तो 5 × 30। क्लियर है, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो नाविक की शांत जल में चाल बताइए, इसमें शांत जल में चाल पूछा गया मतलब स्टील वाटर। तो स्टील वाटर का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाय 2। तो डाउन स्ट्रीम 12 है, अप स्ट्रीम 6 है बटा 2, तो 12 × 6 = 18/2, माने कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं, आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे, और सारे क्वेश्चन को हम लोग इसी कॉन्सेप्ट पे सॉल्व करेंगे जो कि हम पहले वीडियो का बता चुके हैं। तो जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि हम जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें आप लोगों तक सीधा नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।